बरसात सिर पर आते ही सुधेड़ पंचायत के नखरोट्टा गांव निवासी महिला किट्टू देवी, जो कि अंत्योदय है, साथ वहां के और तीन परिवारों की चिंता बढ़ गई है। एक साल पहले हिमुड़ा ने अपने प्लॉट के लिए यहां से सड़क निकालने के लिए खुदाई की थी। उस दौरान डंगा लगाने का आश्वासन विभाग ने दिया था, लेकिन आज तक डंगा नहीं लगाया गया। इस कारण पिछली बरसात में उनका शौचालय और आधा मकान तो गिर गया था। अब बाकी बचे कमरे और रसोई घर भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। महिला व उसके दिव्यांग बेटे किशन ने जेसीबी लगाने से पहले यहां डंगे का निर्माण करने की मांग उठाई थी, लेकिन हिमुड़ा ने विरोध के बावजूद जेसीबी लगाकर सड़क के किनारे खुदाई कर दी थी। महिला किट्टू देवी के अनुसार उसका दिव्यांग बेटा किशन आंखों से देख नहीं सकता है। वह अंत्योदय परिवार से संबंध रखती है। परिवार का खर्च बुढ़ापा पेंशन और दिव्यांगता पेंशन से चलता है, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं हो पाया है। कांग्रेस किसान सेल के प्रदेश सचिव संजय शर्मा ने कहा कि बुजुर्ग महिला एक साल से न्याय के लिए गुहार लगा रही है, लेकिन महिला की समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। ऐसे में शीघ्र महिला की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वह हिमुड़ा के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। ये जो अमीरों के लिए विकास हो रहा है, तो कम से कम इसको गरीबों की कीमत पर तो ना करें, गरीबों के जीवन का तो ख्याल रखा जाए। सर, ये कौन सड़क बना रहा है और क्या है? ये हिमुड़ा सड़क बना रही है, जिसने आगे वो जमीन परचेज की हुई है, वहाँ वो कॉलोनी डेवलप करने जा रही है अमीरों के लिए। जी, तो क्या हो रहा है इससे? क्या अब सड़क से आप देख रहे हैं कि पूरा गांव के कई घर हैं ऐसे। अब बेचारे ये वृद्धा किट्टू देवी, जो 80 साल से ज्यादा उम्र है, इनके एक बेटे हैं, ये अंधे हैं, ये ना तो ये खुद चल पाती है, ना बेटा देख नहीं पाता है। इनका शौचालय वो पूरी तरह से गिर गया है, मतलब यूज करने लायक नहीं रहा। इनका आधा मकान जो पूरी तरह से गिर गया है, आधा जो थोड़ा सा बचा है वो भी आज नहीं तो कल गिरा। अब पूरा एक साल हो गया हिमुड़ा इनको सिर्फ आश्वासन देके जाता है, बाकी कुछ नहीं। अब बरसात आने वाली है, ये लोग तो फिर मौत के साए में। कब तक होगा ऐसे? नहीं है, तो ये सड़क पीडब्ल्यूडी की है, पीडब्ल्यूडी के द्वारा ही बनाई गई है, तो उसमें जो धस रहे हैं वो ऐसा कुछ नहीं है कि वो धस रहे मकान एज इट इज खड़े हैं, थोड़ा स्लिप साए गिरे हैं। और हमारी कॉलोनी तो आगे है, काफी आगे है, कोई 300-400 मीटर आगे, वहां से हम प्रपोज्ड है। अभी लैंड वगैरह खरीदी तो है नहीं, जब तक खरीदेंगे उसके बाद सब हो जाएगा। और पीडब्ल्यूडी की वो अप्रूवल आ गई है, वो भी काम मेरा ख्याल शुरू हो जाएगा जल्दी। तो उसको लोगों को राहत देने के लिए मोटा क्या कर टर्निंग बोल वगैरह लगाने का क्या उसमें सर? अभी तो कुछ नहीं, जब होगा आपको बता देंगे। थैंक यू सर।